कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप त्यारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी, कि आप हर चीज इंडिया में कंपेयर करते हैं, उनके डॉलर देख लें, उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें। कि देखिए इंडिया S-400 ले रहा है, अमेरिका का ये एक लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा, मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया, एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफाद आते हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने, तो हम तो किसी की भी जरूरत नहीं बन सके। यानी ये कि जब FATF का मामला आता है तो फटाफट हमें उसमें डाल दिया जाता है, कोई भी मामला होता है तो हमारे ऊपर जो है वो तलवार चल जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम कहीं पर नहीं पहुंच सके, हम ना ताल्लुकात अच्छे कर सके हैं हमारी हुकूमतें किसी से, ना हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर सके हैं कि हम इकोनॉमिकली उनके मोहताज ना रहें, तो वो देखते हैं कि ये तो हर तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या यही बात नहीं है? तो सारी चीजें इस वक्त इंटरनेशनल अरीना पे हो रही हैं, लेकिन S-400 पे मेरे तहफ्फुज़ात ये हैं कि अमेरिका की डबल पॉलिसी वहां नजर आ रही है। टर्की को जब S-400 लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सेक्शंस की थ्रेट की थी, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है, और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इन टू द इंडियन कैंप। उसके बाद जो इंटरनेशनल इस वक्त स्पेकुलेशन वॉशिंगटन डीसी में हो रही है, वो ये हो रही है कि जब से आपके पाकिस्तान का CPAC और BRI, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है चाइना की, फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद जब आप IMF के पास आए हैं, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए हैं, और इस पे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के आप कोशिश कर रहे हैं, दरवाजे पे मुसलसल आप खटखटा रहे हैं, और वहां से थोड़ी सी आइस मेल्ट भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका उसका इशारा यह है कि जो सऊदी अरेबिया, ये वही सऊदी अरेबिया है जिन्होंने आपसे आपने OIC की मीटिंग जब कश्मीर के लिए कहा था, तो उन्होंने 2 बिलियन वापस मांग लिया था, लेकिन आज फिर वो क्यों मेहरबान हुए हैं? वो अमेरिका के इशारे पे मेहरबान हुए हैं। पिछले एक महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आए, 3 साहब यहां से सीधे सऊदी अरेबिया गए थे, वहां से पैसे लेकर गए, और उन्होंने कल परसों भी बयान दिया है कि हमारी IMF की सेटलमेंट हो चुकी है, हमें बड़ी जल्द पैसे मिलने वाले हैं। और यहाँ ये सोचना बिल्कुल जरूरी होगा, IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के इशारे के बगैर किसी के साथ नहीं चलते। तो आइस तो मेल्ट होना शुरू हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे जो तहफुजात हैं वो ये है कि आपका जो यहाँ पे जो इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी चाइना की, जो प्रोजेक्ट बन चुके थे, उनका फ्यूचर क्या है? और उसके बाद वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ, हमेशा आपका एक हाथ हमारी तरफ होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो उसी तरह अगर आप चाइना की जो हिमालिया जैसी दोस्ती है उसके CPAC को दरमियान में खड़ा करके, दासू डैम का प्रोजेक्ट दरमियान में खड़ा करके, आप अगर IMF के कैंप में और अमेरिकन कैंप में आने के लिए इतने बेचैन है, तो फिर क्या होगा उस रीजन के अंदर? और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी, और वो इतनी स्ट्रांग है कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए, मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन DC में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन DC में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा, आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियन से की। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं, कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप त्यारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर ले, लेकिन ये शायद ये नहीं हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पिछले आज की बात नहीं करूंगा मैं, ये आजकल का कंपैरिजन तो ये था, मैं बड़ा फैन हूं जावेद चौधरी साहब का, उन्होंने कंपेयर किया था कि आजकल लोग करप्शन और बेवकूफी को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं करप्शन बेवकूफी प्लस करप्शन, तो ये इसका तो जोड़ ही नहीं है।
क्योंकि जो मेरे ख्याल में पिछले जो दो रजीम थी वो यहां से लंदन जाती थी फिर वापस आ जाती थी, ये वाली रजीम जो है इसमें से ज्यादातर लोग वन वे टिकट पर जाएंगे, वापस आने का सोच के नहीं जाएंगे, क्योंकि जो डॉलर के हालात आपके और जिस तरीके से मेरी जो खबरों के हिसाब से इस वक्त जो आपके कई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, भागने के लिए तैयारियां हैं, डॉलर जो ही कहीं से मिलता है फॉरन लेके ट्रांसफर हो जाता है दुबई या लंदन। इस वक्त आपके इंटरनल प्रॉब्लम में आपने देखा होगा पिछले जो दो महीने से, चाहे वो ISI की अपॉइंटमेंट हो, चाहे EVM हो, चाहे TLP हो, चाहे TTP हो, चाहे NAB हो, आपने 30 साल का टाइम बता दिया लोगों को, महंगाई के हालात ये है, आपके मिनिस्टर मुसलसल कहते रहे कि हमारे तेल के कुएं नहीं है लेकिन आपके चीनी के कुएं हैं, और आज वो वहां भी धोखा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है अब आटे की भी किल्लत है, और इस वक्त जिस तरह आपने बताया राशनिंग शुरू हो जाएगी गैस पे, तो इस वक्त गरीब का बच्चा जो है इस वक्त बिल्कुल किसी तवज्जो देखें। अभी रिसेंटली जिस तरह आपने खुद फरमाया जज साहब के ऊपर, जज साहब की बात आ रही है, लोगों की बिल्कुल तवज्जो नहीं है क्योंकि लोग मफलूज हो चुके हैं, लोगों की सोचें मफलूज हो चुकी हैं, जो दो वक्त का खाना खाते थे वो इस वक्त एक वक्त का खाना खा रहे हैं, तो जब पेट खाली हो तो फिर आप सियासत के बारे में नहीं सोचते, लोग सुबह की खाते हैं शाम की फिक्र में पड़ जाते हैं, लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड है। मैं यहाँ पे एक और बात कोट करना चाहूंगा कि जिस तरह गार्डियन ने अगले दिन आर्टिकल लिखा है और तकरीबन हमारे हर एंकर ने उसको ट्रांसलेट करके बताया लोगों को कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई दुनिया का चौथे नंबर पर आपका नंबर है महंगाई के हवाले से, और उसमें कोई रिलीफ, देयर इज नो रिलीफ इन साइट। तो ये एक सख्त बड़ी बात है, महंगाई इंटरनेशनल ट्रेंड है, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है कोविड की वजह से, लेकिन मेरा इसमें गुजारिश ये होती थी कि अगर खान साहब अपना मैंडेट डिलीवर किया होता, अगर शहजादे ना पाले होते, इन्होंने डुअल नेशनल कैबिनेट ना बनाई होती, आज कौम के सामने खड़े होते, तो अपने पेट पे भी पत्थर होता तो लोगों ने भी पेट पे पत्थर बांध लेना था, लेकिन अगर आप अरबपति शहजादों को साथ लेके घूमेंगे 50-50 करोड़ की का फ्लीट गाड़ियों का लेकर, तो लोग किस तरह पेट पे पत्थर बांधेंगे। आज यही अलमिया है, ये सिर्फ आपका नहीं है बल्कि हर डेवलपिंग करप्ट कंट्री का यही है। मैं हमेशा आपको पहले भी बताया था कि आप हर चीज इंडिया में कंपेयर करते हैं, उनके डॉलर देख लें, उनकी GDP ग्रोथ देख लें, करप्शन में देख लें, आप 124 नंबर पर हैं और वो 86 नंबर पर हैं, तो वो भी लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है, लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल यू आर इन अ फ्री फॉल, यू आर लीडरलेस, यू आर विदाउट गाइडलाइन, आपको बिल्कुल नहीं पता आपके आखिरी जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आखिरी अपना रिटायरमेंट पैकेज IMF से लेके, तो वो उसको उस पे अपना रिटायरमेंट पैकेज बनाएंगे, ना वो कौम तक जाएगा। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि 120 अरब रुपए की सब्सिडी देना बात नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क था कि वो सब्सिडी से जनरल मैसेज किस तरह मुस्तफीद होंगे, वो आज आम आदमी तक किस तरह पहुंचेगी। सब्सिडीज तो आप पहले भी अपने शुगर माफिया को देते रहे हैं, बड़े अरसे से देते रहे हैं, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन था कि वो 120 अरब रुपए की सब्सिडी आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी, आपके दोस्तों में ही वो गुम हो जाएगी। तो आज भी यही अलमिया है, सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है करप्शन, करप्शन एंड करप्शन। ठीक साजिद दार साहब, बहुत आपने कमाल की बात, एक दो बातें जो इसमें हैं, जो पॉइंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त आपने बात की। मसलन आपने ये कहा कि चलें अगर आपको आप कोई नई चीज नहीं तो आप कम से कम कॉपी ही किसी एक अच्छी चीज की कर सकते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपने बात की, आप मेरी अपनी नाकस राय, मेरी या मैं 35-36 साल से यहाँ और पाकिस्तान में कंप्लीटली इन टच हूँ, मेरे काफी दोस्त जो हैं दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशनिंग इन पाकिस्तान, और मैंने हर डिपार्टमेंट को स्टडी किया, और सबसे बड़ी ये खामी नजर आई है नेशनलिज्म नहीं है हर बंदे की मेंटेलिटी। मैं ये नहीं कहूंगा कि खान साहब तो कहते थे ना कि मेरे लिए भी एक नया तजर्बा था कि मैं ट्रिकल डाउन होगी चीजें, ईमानदारी ट्रिकल डाउन होगी ऊपर से नीचे, लेकिन वो फिलासफी भी आपकी फेल हो गई कि ऊपर से ईमानदारी ट्रिकल डाउन नहीं हो रही क्योंकि कैबिनेट पे रुक जाती है, आप नैब को अमेंड कर देते हैं सिर्फ कैबिनेट के लोगों को बचाने के लिए, वो नीचे आम आदमी तक तो पहुंच ही नहीं सकी। लेकिन हाँ ये जरूर मैं कहूंगा